अल्हम्दुलिल्लाह, आज चैप्टर 20 के लिए हम सब यहाँ मौजूद हैं। बहुत ही मुबारक दिन है और अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स समझने का जो कोर्स है, कुरान समझने का, उसकी तकमील का दिन है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो सफर शुरू किया था कुरान समझने का आसान तरीके से, वो आज तकमील को पहुंच रहा है। 19 चैप्टर्स हम इस कोर्स के बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल कर चुके हैं। आज आखिरी सबक है, सबक नंबर 20, लेसन 20, चैप्टर 20। आओ कुरान समझें आसान तरीके से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे शुरू में मैं आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुंतखब फरमाया। डेफिनेटली ये अल्लाह की सिलेक्शन है कि अल्लाह की बनाई हुई दुनिया में इतने लोग हैं जो अपने कामों में मसरूफ हैं, और उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने कामों को छोड़ा अल्लाह की खातिर, अल्लाह को राजी करने के लिए, और अपना वक्त दिया अल्लाह की किताब को समझने के लिए। तो डेफिनेटली वो लोग बहुत मुबारक हैं, अल्लाह ने उनको सिलेक्ट किया है, अल्लाह के पसंदीदा हैं। तो इस पसंदीदगी पर, अल्लाह की रजा हासिल होने पर आप सबको बहुत मुबारकबाद। आज बहुत ही खास दिन है, बहुत ही खास चैप्टर है जो हम स्टडी करने वाले हैं, और आज के चैप्टर में आपकी अटेंशन इंटेंशनली बहुत जरूरी है। पूरी तवज्जो से आप क्लास में रहेंगे और देखेंगे कि हम क्या क्या चीजें समझने वाले हैं, क्या क्या चीजें आज हम, क्या क्या चैलेंजेस थे जो आज हम साबित करेंगे। इस सबक में हमने क्या पढ़ा, ग्रामर से सरफे सगीर और नुकाते तालीम या शोक की बात होगी। सब चीजें समझाती हूँ कि क्या है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले अल्लाह ही इसके मुस्तहिक हैं कि अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए, अल्लाह की तारीफें की जाएं। तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं कि उसने हमें तौफीक दी, हमें चूज किया और ये अपॉर्चुनिटी हम तक पहुंची और हमने इसको अवेल किया। आज चैप्टर 19 मुकम्मल होने तक हम 232 वर्ड्स को सीख चुके होंगे जो कुरान में 41,111 टाइम्स रिपीटेडली आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो हमारा टारगेट था, यानी 78,000 अप्रोक्सीमेटली कुरान के अल्फाज हैं, 78,000, ठीक है, उनमें से 41,111 अल्फाज याद होने का मतलब ये है कि हमें आधे से भी ज्यादा अल्फाज याद हो रहे हैं, 50% से भी कुछ ज्यादा अल्फाज हम समझ रहे हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल होगा कि कैसे पता चलेगा कि हमें कुरान इतना ज्यादा आ गया है। इस बात को आज हम इंशाल्लाह साबित करेंगे, और आज आखिरी चैप्टर में एक बार फिर हम जहन नशीन कर लेते हैं कि ये 7 होमवर्क बहुत जरूरी है। इवन कोर्स के बाद भी हमें कुरान को समझने का जो रास्ता है इसको छोड़ना नहीं, इसको दोहराते रहना है, रिवाइज करते रहना है, और हम उसको पुख्ता करने के लिए ये होमवर्क करते रहेंगे, पॉकेट बुक का इस्तेमाल भी करते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, कोर्स हमारा मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह इस सबक में मैं आपको ये साबित करूंगी, अगर आप पूरी तवज्जो से यहाँ मौजूद हैं, कि वाकई हमने 50% अल्फाज सीखे हैं। बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल होगा कि हमने सीखा तो है, लेकिन कैसे पता चले कि 50%, यानी आधी किताब कुरान के अल्फाज हमने सीखे हैं। तो आज इंशाल्लाह ये साबित होगा, लेकिन आपकी तवज्जो रिक्वायर्ड है, जरूरी है। चलिए अब हम ऐसा कहते हैं कि कुरान की जो शुरू की सूरत है, दूसरी सूरा सूरतुल बकरा, उसके कुछ आयात को लेते हैं और वहां से जानने की कोशिश करते हैं कि उनमें से हम एक्चुअली कितने लफ्ज सीख चुके हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान से जो मरदूद है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह के नाम से जो बहुत ज्यादा रहम करने वाला और मुसलसल रहम करने वाला है। जी, तो अभी तो मैं आपको 5-6 सेकेंड देती हूँ, आप जरा इसको देखें, गौर से देखें कि इनमें से कितने लफ्ज हैं जिनके मानी आपको आते हैं। जी जरा सब अपनी अपनी जगह कि आपको कितने लफ्ज आते हैं। राइट, तो आपके से बहुत सारे लोगों ने कई लफ्ज ढूंढे होंगे, अगर आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकें कोई एक लफ्ज, दो लफ्ज, कितने लफ्ज आते हैं। एहसन माशाल्लाह पहले से बता सके, एहसन को 4 अल्फाज आते हैं इसमें से, माशाल्लाह।
और कौन बता रहा है हमें? मैं वेट कर रही हूँ चैट बॉक्स में आपके रिप्लाई का। जी अफरा बता रही है तीन अल्फाज आते हैं, सलमा भी कह रही है तीन आते हैं, नयाज बहादुर कह रहे हैं सब आते हैं। चले नयाज बहादुर साथ में जो है वो पहले से शायद कुरान को पढ़ा होगा माशाल्लाह। अभी जो हम असेस कर रहे हैं ना वो कुरान कोर्स वन के हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। मूसा भी कह रहे हैं कि पांच अल्फाज आते हैं, चले माशाल्लाह। अब हम देखते हैं एक्चुअली कितने अल्फाज हमें आते हैं। ये देखिए जितने अल्फाज यहाँ रेड लाइन से लाइन लगाई हुई है उसके नीचे अंडरलाइन किए हुए हैं वो सारे लफ्ज हम कोर्स वन में पढ़ चुके हैं। तालिका हमने पढ़ा था, ठीक है। अल किताबू पढ़ चुके हैं, ला का मतलब नहीं है हम पढ़ चुके हैं। सी और ही, ये जो हु और ही दो अल्फाज हमने पढ़े थे, हु भी होता है ही भी होता है, ठीक है। सी ये भी पढ़ चुके हैं, हुदन हिदायत हम पढ़ चुके हैं, लामजेर ली लिल्लाही, ठीक है। ये तमाम अल्फाज हमने पढ़े हैं, कितनी बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है। क्या रह गया अलिफ लाम मीम, हमें देखना है कि ये क्या है। रोइबा नया लफ्ज है, मुत्तकीन सुभानअल्लाह, सिर्फ ये रह गया बाकी सब हमें पहले से आता है, ठीक है। ओके तो देखिए ब्लू कलर में जो वर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं ये वो अल्फाज हैं जो हमने अब सीखने हैं, जो सीखने वाले बाकी हैं। अलिफ लाम मीम को हम अलिफ लाम मीम ही पढ़ते हैं, ये वो अल्फाज हैं जिनके मानी अल्लाह ताला जानते हैं, इसलिए इनका तर्जमा यही किया जाता है, कोई और तर्जमा नहीं किया जाता। रोइबा का मतलब होता है शक डाउट, ठीक है। मुत्तकीन मुत्तकी मुत्तकी लोग जो जिनके दिल में अल्लाह का खौफ होता है और वो बुरे कामों से बचने की कोशिश करते रहते हैं हमेशा, उन्हें कहते हैं मुत्तकी, ठीक है। तो हमने क्या समझा यहाँ, अलिफ लाम मीम ये किताब नहीं शक इसमें हिदायत है किनके लिए, मुत्तकियों के लिए, सुभान अल्लाह। अब आप देखिए कोर्स वन के बाद हमारी ऐसी बेस बन गई है कि पूरे कुरान में हम जहाँ भी पढ़ेंगे हमें बहुत सारे वर्ड्स आते होंगे। तो अब हमें बाकायदा हमारे लिए कुरान को समझना आसान हो गया है। इसी तरह से सूरतुल बकरा की आयत नंबर 3 हमारे सामने है, जरा गौर से देखते हैं हम कि यहाँ कौन से वर्ड्स हमें आते हैं। आखिर में आपको नजर आ रहा है मिम्मा, मिम्मा एक्चुअली जब भी कुरान में आए याद रखें ये मिन और माँ को मिलकर बने, और आपको याद है कि मिन का मतलब हम पढ़ चुके हैं से, माँ के भी हमने तीन मानी पढ़े थे, ठीक है। तो मिम्मा इनको मिलाकर बना है, राइट। तो हम इसको भी डेफिनेटली कंसिडर करेंगे कि ये हमने पढ़ लिया हुआ है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये जो वर्ड रेड कलर के अंडरलाइंड हैं ये हमने पढ़े हुए हैं, अल्लादीना जो लोग भी पर से बहुत सारे मानी है, वाह और असलात नमाज, वाह और मिन से माँ जो हम उन्हें हम, राइट अल्हम्दुलिल्लाह। और जो वर्ड्स हमने अब नए ऐड करने हैं जो सीखने वाले बाकी हैं वो ब्लू कलर में नजर आ रहे हैं, यानी युमिनूना ईमान लाते हैं, गैबी गैब पर, युकीमूना कायम करते हैं, रजकना हमने रिस्क दिया, युनफिकून वो खर्च करते हैं। सिर्फ चंद लफ्ज सीखने से हमें आयते कुरानी सूरतुल बकरा से नंबर 3 की समझ आ जाएगी कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जो लोग ईमान लाते हैं गैब पर और कायम करते हैं नमाज और जो रिस्क हमने दिया है उन्हें वो खर्च करते हैं, हमने जो रिस्क उन्हें दिया है वो उसे खर्च करते हैं, सुभान अल्लाह। तो कितना आसान हो गया कोर्स वन के बाद इस आयत को समझना क्योंकि सिर्फ चंद अल्फाज बाकी थे। इसी तरह आयत नंबर 4 को देखते हैं हम, ठीक है। अगर आप इस टाइम वाकई तवज्जो से सुन रहे हैं और मेरे साथ इस एक्टिविटी में शामिल हैं, क्योंकि आज की एक्टिविटी सिर्फ सुनने की नहीं है, आपको ए पार्ट में भी साथ साथ वो काम करने होंगे जो मैं बोलती हूँ, तभी आपको ये साबित होगा कि वाकई आपने 50% से ज्यादा अल्फाज सीखे हैं, ठीक है। तो जो जो चीज़ मैं आपको कह रही हूँ आप ध्यान से देखें और मेरे साथ तर्जमा करें। ये देखें ये तमाम अल्फाज हैं आयत नंबर 4 के और यहाँ पर मौजूद हैं अंडरलाइन वर्ड्स जो हमें पहले से आते हैं और ब्लू कलर में वो हैं जो हमने नए सीखने हैं जो अभी हमने नहीं पढ़े, 1, 2, 3 और 4, सुभान अल्लाह। आयत नंबर 4 के सिर्फ 4 अल्फाज हमें अभी नहीं आते, बाकी सारे हमने पहले कोर्स 1 में सीख लिए हैं। तो आपको ऐसा ऐसा यकीन होना यकीनन शुरू हो गया होगा कि हमारे लिए कुरान को सीखना कोर्स 1 की वजह से बहुत आसान हो गया, राइट। तो तर्जमा क्या है, वल्लदीना और जो लोग युमिनूना ईमान रखते हैं, बिमा उस पर जो उनजिला नाजिल किया गया, इलैका आपकी तरफ, वमा और जो उनजिला नाजिल किया गया, मिन कब्लिका आपसे पहले, वबिल आखिरती और आखिरत पर हम वो लोग युकीनून यकीन रखते हैं, सुभान अल्लाह। और आयत नंबर 5 तक हमने पढ़ना था, ये आयत नंबर 5 है, उलाइका अला हुदा मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, राइट। ऑब्वियसली इसमें से भी अल्फाज हैं जो हमने पहले से पढ़े हुए हैं, माशाल्लाह। सिर्फ 1 लफ्ज से जो हमने अभी सीखना है, बहुत बहुत मुबारकबाद हो आपको, मुझे यकीन है कि आप बहुत स्पेशल फील कर रहे हैं इस टाइम। आयत मुबारका सिर्फ 1 लफ्ज आयत मुबारका नंबर 5 का
हमारे लिए नया है, बाकी सब हमें आते हैं। उलाइका वो ही लोग, हमने ये पढ़ा है ठीक है। आला पर ये भी पढ़ा है हमने, हुदन हिदायत हम पढ़ चुके हैं, मिन का मतलब है से, रब रब हिम उनका, यानी रब हिम उनका रब, उनका अपना रब ठीक है। वह उलाइका, वह और उलाइका वही लोग, देखें ये दुर्लभ सेम है। और हुम का मतलब फिर आ गया हुम को, वो सब यानी ठीक है, हुम वो एक, हुम वो सब, हु और हुम ये दोनों है। और आखिरी लफ्ज जो नया है वो है अल-मुफ्लिहून, कामयाब। एक्चुअली अगर देखा जाए तो हमने इससे मिलता जुलता एक लफ्ज पढ़ा था अजान में, हय्या अलल फलाह, तो थोड़ी बहुत ये रिजेम्बलेंस को हमें वहां से पता चल रही है कि ये वहीं से निकला है। फलाह का मतलब कामयाबी है, और मुफ्लिहून उसको उनको कहते हैं, उन लोगों को जो कामयाब होते हैं, जो कामयाबी हासिल करते हैं। सुभान अल्लाह, कितनी खुशी की बात है, इतना आसान हो गया, एक लफ्ज सीखने से पूरी आयत समझ आ गई हमें। वही लोग हिदायत पर हैं अपने रब की तरफ से, और वही लोग कामयाब हैं। कौन लोग? जिनके बारे में अभी हमने पिछली आयत में पढ़ा है। तो माशाल्लाह मुझे यकीन है कि इस क्लास के बाद भी आप अपना कुरान पाक उठाएंगे, सूरतुल बकरा की पहली पांच आयत खोलेंगे, और आपको इसी तरह से आपको पता चल जाएगा कि वाकई हम भी कर सकते हैं, जो मैं अभी आपको साबित कर रही हूँ यहाँ पे ठीक है। ओके, इसी तरह से हम आगे चलते हैं। आयतुल कुर्सी हम देखते हैं, आयतुल कुर्सी कुरान पाक की आयत मुबारक है राइट, और देखते हैं कि वो हमें कितनी पहले से आ चुकी है, जबकि हमने कोर्स वन में आयतुल कुर्सी नहीं पढ़ी, लेकिन हमने बहुत से अल्फाज पढ़े हैं ऑलरेडी। तो जरा यहाँ पर भी मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ, आप जरा चैट बॉक्स में बताएं कि कितने अल्फाज आपको पहले से आते हैं जल्दी से। आई वांट टू सी कि आप वाकई मेरी एक्टिविटी में शामिल हैं आज लास्ट क्लास में जी। जल्दी जल्दी से मुझे बताएं, अप्रोक्सीमेट। सदफ कह रही है कि फुल आते हैं, माशाल्लाह। अफरा भी कह रही है फुल आते हैं, ओके। सलमा भी कह रही है फुल, 7 आते हैं, 8 आते हैं। अलीजे बता रही है ईमान, मूसा, इसरा, माशाल्लाह माशाल्लाह, ओके दैट्स राइट। अब हम यहाँ पर देखते हैं और वाकई इस बात को साबित करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, इतने अल्फाज जिनको रेड अंडरलाइन किया हुआ है वो कोर्स वन में हमने सीखे हैं। अल्लाह अल्लाह, ला नहीं, इलाहा इबादत के लायक यानी माबूद, इल्ला सिवाय, हम वो राइट। उसके बाद दो लफ्ज यहाँ पर नए हैं जो अल्लाह के सिफाती नाम है, अल-हय्यू जिंदा है, अल-कय्यूम थामने वाला, ये दो हमारे लिए नए लफ्ज हैं, खूबसूरत नाम है अल्लाह के। ला नहीं, ताखुदुहु, ला का मतलब नहीं है, ताखुदु आती या आती है, हु उसे, कि हु का लफ्ज भी हमने पढ़ा हुआ है ना, हु हुम राइट। सिनातुन ऊंग, ये हमारे लिए नया लफ्ज है। वला और ना, नौम नींद, नौम हमने कहाँ पढ़ा है कोर्स वन में, जरा मुझे चैट बॉक्स में बताएं, एक्टिवली आप रिप्लाई करें जल्दी जल्दी। नौम का लफ्ज हमने कुरान के किस चैप्टर में पढ़ा है? सदर जबीन कह रही है अजान में, सुबह की अजान में, इसरा कह रही माशाल्लाह। और सिनातुन हमारे लिए नया लफ्ज है, ऊंग कहते हैं जब नींद आने की कैफियत होती है ना, हमें भी नींद आ रही होती है, हम जरा सुस्त हो जाते हैं, नींद आने की कैफियत, नींद के करीब, उसको कहते हैं ऊंग। तो सुभान अल्लाह, सिर्फ 4 नए लफ्ज हमने अभी सीखे, और हमें पता चल गया कि आयत मुबारका जिसको हम हमेशा हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स बताते हैं, और हमारे अच्छे फ्रेंड्स भी, कि इसको जरूर तिलावत करना चाहिए, ये हिफाजत के लिए दी है, हमें पता चल गया कि एक्चुअली उसमें क्या खास बात कही जा रही है। उसमें कहा जा रहा है अल्लाह अल्लाह ही है, नहीं माबूद सिवाय, यानी वो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है ठीक है। सिंपली मैं आपको बताती हूँ अब्बा मुहावरा तर्जुमा, वो कौन है? वो है जिंदा, हमेशा जिंदा रहने वाला, सबको थामने वाला, ना उसे ऊंग आती है और ना नींद, सुभान अल्लाह। अब हम आयतुल कुर्सी का अगला हिस्सा देखते हैं। लहू मा फिस समावाती वमा फिल अर्द मन ललदी यशफउ इंदहू इल्ला बिइज्नी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आपको खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है ना, ये देखें सिर्फ 3 अल्फाज, बल्कि अल्फाज के छोटे छोटे हिस्से महसूस हो रहे हैं जो हमने सीखने हैं ब्लू कलर के, बाकी सारे हमें पहले से आते हैं, हमने कोर्स वन में पढ़ी है। ला हु उसी के लिए या उसी का, ठीक है, ला और हु दोनों हमने पढ़े हैं। मा जो, फी में, असमावाद, असमा की जमा है आसमानों, वा और मा जो, फी में, अल अर्द जमीन, मन कौन है, मन का दूसरा मानी क्या पढ़ा था चैट बॉक्स में बताइए जल्दी से, मन का दूसरा मानी हमने क्या पढ़ा था, मन का दूसरा मानी अगर जुमले के दरमियान में आ जाए मन, मन अगर नहीं बेटे ये मिन नहीं है बेटे, आपने कहा से होता है मिन, ये है मन,
सलमा बता रही है इसका मानी होता है जो, अगर मन जुमले के दरमियान में है तो उसका मानी होगा जो, जिसे, ठीक है। द लवी वो जो, द हमारे लिए यशबाउ सिफारिश करे, इंदा पास हु उसके, ये अल्लाह सुबहाना ताला की बात हो रही है, इल्ला सिवाय या मगर, हमने ये भी पढ़ा है, दी इज़नी ही, तीन अल्फाज हैं, दी से या साथ, इज़नी इजाजत के ही उसके, ही हु, ये बार बार आ रहे हैं ना, देखिए हम बार बार कुरान में ये अल्फाज आ रहे हैं जो हमने हम काकुम वाले टेबल में पढ़े थे, कागी कुम ना, राइट। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। आयतुल कुर्सी का अगला हिस्सा हमारे सामने है, हम देखते हैं इसमें से कितने लफ्ज हमें आते हैं। माशाल्लाह, सिर्फ तीन अल्फाज हमें सीखने हैं, नए हैं, बाकी सब हमने कोर्स वन में पढ़े हैं। अब अगर यहाँ पर आप में से किसी को थोड़ी कंफ्यूजन हो रही हो, कोई मानी याद ना आ रहे हो, तो उसकी वजह ये हो सकती है कि अभी शायद आपने पूरी तरह रिवाइज नहीं किया साथ साथ, क्योंकि कोई भी लेसन आप पढ़ें आप उसको रिवाइज करते हैं, जैसे स्कूल का काम होता है, राइट। कुछ भी सीखने के लिए चीजों को पढ़ना होता है, टाइम देना होता है, लेकिन जब आप इसको रिवाइज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सारी लफ्ज कोर्स वन में मौजूद है। और आप में से वो बच्चे, वो स्टूडेंट्स, वो सिस्टर्स और ब्रदर्स जो तवज्जो से सुनते भी रहे हैं सारी क्लासेस को और साथ साथ रिवाइज करते रहे, उनको यकीनन हर चीज का मानी आ रहा हो, ठीक है। या आलमू वो जानता है, हमने ये पढ़ा था, ये टेबल था मुजारे का ना, या आलमू या आलमूना, माशाल्लाह। मा जो बैना अईदीहिम, उनके सामने है, ठीक है, ये अलग अलग मानी है। बैना का मानी होता है दरमियान के मानों में आता है, लेकिन यहाँ इसके हिसाब से आ रहा है जब इसको मिलाकर पढ़ेंगे। वा और मा जो खल्फा, खल्फा का मतलब है पीछे, बैक पर, पीछे, खल्फा हूँ उनके पीछे, या माजी में जो भी उसका मानी हो सकता है, खल्फा का मानी है पीछे। वा और ला नहीं, युही तूना वो अहाता करते हैं, अहाता करना होता है घेर लेना, घेर लेना किसी चीज को, ठीक है, और वो अहाता नहीं करते हैं, क्योंकि ला का लफ्ज है यहाँ, विषय इन किसी चीज का, मिन इल्मी ही उसके इल्म से, इल्ला मगर, बिमा शाह जितना वो चाहे, सुभान अल्लाह। तो क्या कहा जा रहा है, वो यानी अल्लाह जानता है जो कुछ उन लोगों के सामने है और जो उनके पीछे है, ठीक है। अभी हम इसकी तफसीर में नहीं जा रहे, डिटेल नहीं समझेंगे, क्योंकि अभी हम सिर्फ लफ्जों की पहचान कर रहे हैं, ठीक है। आगे आगे इंशाल्लाह हम उनको भी सीखेंगे। और नहीं वो यानी वो लोग घेर सकते, अहाता कर सकते किसी चीज का, या अपनी अथॉरिटी में ले सकते किसी चीज को, ठीक है, जो सिवाय उसके के जो चीज उसकी मर्जी से, ठीक है। यानी अल्लाह के इल्म में तो हर चीज है ना, लेकिन कोई भी किसी चीज का अहाता नहीं कर सकता, किसी चीज को कवर नहीं कर सकता, घेर नहीं सकता, सिवाय उसके जो अल्लाह चाहे, सुभान अल्लाह, ठीक है। ओके आयतुल कुर्सी का तर्जमा बहुत ही, अगर हम इसको समझ कर पढ़े ना डिस्क्रिप्शन में जाकर, तो ये बहुत ही बेहतरीन है। इंशाल्लाह अगले कोर्सेज में हम इनको इनको अगर ज्वाइन करते हैं तो हम समझेंगे इसकी डिटेल को। वसीअ कुर्सीयुहु समावाति वल अर्ध वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलीयुल अज़ीम। आयतुल कुर्सी यहाँ मुकम्मल हो रही है, माशाल्लाह। यहाँ भी सिर्फ चार लफ्ज़ हैं जो हमें सीखने हैं, वसीअ समालिया कुर्सी, ये नया लफ्ज है, लेकिन ये उर्दू में हम कुर्सी को कुर्सी कहते हैं, चेयर तो ये भी हमें पहले से आता है लेकिन हमने कोर्स में नहीं पढ़ा, ठीक है। या उर्दू थकाना, टायर्डनेस, कहते हैं थक गए हैं, राइट, ये वो लफ्ज है। हिफ्ज़ुहुमा, उन दोनों की हिफाजत, ये अल्फाज बहुत आसान है, उर्दू से मिलते जुलते हैं लेकिन कोर्स वन में नहीं पढ़े, बाकी सारे अल्फाज हम पढ़ चुके हैं। तो मानी क्या हुआ, संभालिया उसकी यानी अल्लाह की कुर्सी ने आसमानों को और जमीन को, और उन दोनों की हिफाजत करना उसको थकाता नहीं, सुभान अल्लाह, और वो बुलंद मर्तबा अजमत वाला है, सुभान अल्लाह, ठीक है। तो अब जब आप, अभी तो हम लफ्जों के हिसाब से पढ़ रहे थे, जब आप बा मुहावरा इसके तर्जमा आप करेंगे तो आपको समझ आएगा कि इतनी खूबसूरत बात इसमें की गई है इस पूरी आयत मुबारका में, तभी इस आयत की इस फजीलत इतनी है कि इसको आयतुल कुर्सी के नाम से हम बहुत दफा तिलावत करते हैं अपनी हिफाजत के लिए भी। दुआए कुनूत आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, इजाफी दुआ है, लेकिन हम इसको यहाँ जरूर समझेंगे क्योंकि उसके बेशतर हिस्से हमने कोर्स में सीखे हैं। अच्छा, एक वजह ये भी आप इसको ज़हन में रखें कि क्योंकि कोर्स मुकम्मल करे रहा, तो हमें यहाँ अल्लाह के साथ हम बहुत जज्बाती तौर पर अटैच हैं, तो हमने इसको दुआ समझ के मांगा है, ठीक है। तो सब अपने अपने हाथ उठा लें और दुआ समझ कर इसको पढ़ते हैं और फिर हम देखेंगे कि कौन से अल्फाज हमें आते हैं। आई होप कि आप सब इस वक्त दुआ की मोड में हैं, दुआ के अंदाज में बैठे हुए हैं सब। चले जी,
अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका, ए अल्लाह बेशक हम मदद मांगते हैं तुझसे और हम बख्शिश चाहते हैं तुझसे। व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका, और हम ईमान लाते हैं तुझ पर और हम भरोसा करते हैं तुझ पर। व नुस्नी अलैकल खैर, और हम तारीफ करते हैं तेरी बहुत अच्छी। व नश्कुरुका व ला नकफुरुका, और हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरी नाशुक्री नहीं करते। व नखलाउ व नतरुकु मैयफ्जुरुक, और हम अलहदगी इख्तियार करते हैं और हम छोड़ते हैं उनको जो तेरे नाफरमान। सुभानअल्लाह, इतना खूबसूरत मानी है इसका, हमने क्या पहले जाना है इस बात को कभी। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं। वलक नुसल्ली व नस्जुदु, और तेरे ही लिए हम नमाज पढ़ते हैं और तुझे सजदा करते हैं। व इलैका नसअ व नहमदु व नरजू रहमतका, और तेरी ही तरफ हम कोशिश करते हैं और हम खिदमत में पेश होते हैं और तेरी रहमत के हम उम्मीदवार हैं। व नक्षा अजाबाका, और हम डरते हैं तेरे अजाब से। इन्ना अजाबाका बिलकुफारी मुल्हिक, बेशक तेरा अजाब काफिरों को पहुंचने वाला है। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह के अजाब से महफूज रखे। तो जरा महसूस करें आयतल, ये जो दुआ कुनूत है हम ईशा की नमाज में पढ़ते हैं इसको, राइट? और आज हम इसको समझ रहे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इसको अगर समझ कर पढ़ेंगे तो कितनी मुकम्मल दुआ है ये, कितनी फायदेमंद है हमारे लिए ये सारी दुआएं, किस कदर। सुभानअल्लाह, अब जरा देखें कि बावजूद इसके कि ये दुआ हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं थी, ये सारे लफ्ज हमें पहले से आ गए। क्योंकि मैं आपको साथ साथ बताती रही हूँ कि कितने अल्फाज हैं जो कुरान में रिपीट हो रहे हैं बार 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 बार। सुभानअल्लाह, अब ये जो सारे रेड लाइन से जो अंडरलाइन किया हुआ है जिनको, ये सारे हमने पढ़े हुए हैं और हमारे लिए नए लफ्ज हैं ब्लू वाले, यानी नस्तगफिरु, हम बख्शिश चाहते हैं, ये नया है। इस्तगफार को हमने पढ़ा लेकिन नस्तगफिरु हमने इसको हमने नहीं पढ़ा। नुमिनु, हम ईमान लाते हैं, ये हमने अभी कोर्स वन में नहीं पढ़ा। नतवक्कलु, हम भरोसा करते हैं यानी ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। नुस्नी, हम तारीफ करते हैं, ये भी नया लफ्ज है। नश्कुरु, हम शुक्र करते हैं। नकफुरु, हम इसका मतलब है नाशुक्री करते हैं, लेकिन ला के साथ पढ़ेंगे तो मतलब होता है हम नाशुक्री नहीं करते हैं, ठीक है। नखलाऊ, हम अलहदा होते हैं, अलग होते हैं या अलहदगी इख्तियार करते हैं। नत रुकु, हम छोड़ते हैं, तर्क करते हैं। यफ जुरु, वो जो नाफरमान है, ठीक है। तो ये वो अल्फाज मैंने रिपीट किए हैं जो हमारे लिए नए हैं, सिर्फ इतने से थोड़े से। इनमें से भी बहुत सारे ऐसे हैं जो उर्दू में मिलते जुलते लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, तो अब हमारे लिए सिर्फ थोड़ी सी देर इन चंद अल्फाज को अगर आप दोहरा लेंगे क्लास के एंड में, क्लास खत्म होने के बाद, तो आज इंशाल्लाह ईशा की नमाज में जब आप दुआ कुनूत पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि इसकी इतनी वैल्यू थी जिसको आप कब से पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम समझ कर पढ़ेंगे, ठीक है। अब दुआ कुनूत का आखिरी हिस्सा, इसमें से भी जो ब्लू वर्ड्स हैं वो हमारे लिए नए हैं। जैसे नुसल्ली, हम नमाज पढ़ते हैं। अब ये देखिए, लफ्जों के शुरू में नून का इस्तेमाल है, फिल मादी में शुरू में नून का इस्तेमाल हो रहा था किसी सीगे में या मुदारे में, जरा चैट बॉक्स में बताइए। फिल मुदारे का एक लफ्ज है या फिल मादी का जिसके शुरू में नून का इस्तेमाल था, याद करें जरा जल्दी से। उसके फॉर्मूला के शुरू में इशारा उसका ये था, मुदारे में सदफ जबीन बता रही है माशाल्लाह। तो यहाँ काफी जगहों पर नून का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे नुसल्ली, हम इबादत करते हैं, ठीक है। नस्जुदु, हम सजदा करते हैं, राइट। इसी तरह नसा, हम कोशिश करते हैं, तो हम के मानों को ये बता रहे हैं, राइट। नाफिदु, हम खिदमत में पेश होते हैं, तो इसका इशारा मुदारी के हिसाब से ये इशारा बनता है ना। नरजू, हम उम्मीद करते हैं या उम्मीदवार हैं। रहमतका, रहमत, रहमत का तेरी, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, का लफ्ज हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसी तरह नक्शा, हम डरते हैं। कुफार, काफिरों, काफिर की जमा है ये। मुल्हिक, पहुंचने वाला, राइट। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इसको समझ लिया। तो यकीनन आपने बहुत दिल से इस दुआ को मांगा भी होगा समझने के साथ। मैं ज़रूर चाहूंगी कि हैंड रेज करें आप में से कौन इसका तर्जुमा एक बार पढ़ेंगे, सिर्फ तर्जुमा पढ़ना है। हुरैन शाह माशाल्लाह एक्टिवली उन्होंने हैंड रेज किया है। हुरैन माइक ऑन करें, सिर्फ आप उसको तर्जुमा पढ़ें और हम सब दुआ की तरह से इसको सुनेंगे जल्दी से। जी बेटे,
ऐ अल्लाह, हम तुझसे मदद मांगते हैं और तुझसे बख्शिश चाहते हैं और तुझ पर ईमान लाते हैं और तुझ पर भरोसा करते हैं और तेरी अच्छी तारीफ करते हैं और तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरी नाशुक्री नहीं करते और तेरे नाफरमान से अलहदगी इख्तियार करते हैं। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तेरे ही लिए नमाज पढ़ते हैं और तुझे सजदे करते हैं और तेरी तरफ कोशिश करते हैं और हम हाजिरी देते हैं और तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं और तेरे अजाब से डरते हैं। बेशक तेरा अजाब काफिरों को पहुंचने वाला है। बेशक बेशक, तो ये दुआ कुनूत हमने मांग ली। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला हमारे इन तमाम अल्फाज को एक्चुअली जो हमने दिल से सुने, दिल से दोहराए अपने दिल में, अल्लाह ताला इनको कबूल फरमाए, हम सबसे राजी हो इंशाल्लाह। ओके, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है हमारे पास। राइट, तो कुरान के दूसरे सफात, अभी तो मैंने आपको सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया ना, डेमो था ये, ताकि आपको पता चले कि कैसे पता चलेगा कुरान के 50% लफ्ज़ आपने सीखे। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि मैं आपको सारे सफात अभी बताऊं, बहुत टाइम लगेगा। अब ये आपका काम है, आप कुरान के बाकी सफात पर भी इसी तरह से ढूंढे अल्फाज। रोज का आप टाइम रखें कि मुझे रोज पर एक जगह से शुरू करते जाएं और ढूंढते जाएं। इवन आप एक पारा या कुरान पाक रख सकते हैं जिनको आप केयरफुली हाईलाइट करते जाएं कि ये अल्फाज मुझे समझ में आ गए हैं इंशाल्लाह। ठीक है, तो हमें ये बात साबित होगी और इस तरह से वो अल्फाज हमें याद भी रहेंगे। राइट, ओके जी, राइट। हम अभी बात कर रहे हैं, आप इन दोनों कोर्सेज में तकरीबन, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ओके फाइन। तो याद रखना है कि ये कोर्सेज हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। हमने पहले जो कोर्स किया आपको पता चल गया होगा, हमने कभी सोचा भी नहीं था, मैंने भी, जब मैंने पहली बार ये कोर्स किया तो मैंने नहीं सोचा था कि इतने कम टाइम में हम कुरान को के आधे से ज्यादा लोग सीख भी सकते हैं। यकीन ही नहीं आता ना इंसान को, लेकिन जब ये कोर्स किया तो पता चला। अब आपको भी यकीन आ गया होगा, जब आप कुरान से लोग सुनेंगे तो आपको यकीन आएगा। इसी तरह से आपने जो है 500 अल्फाज जो है तकरीबन हमने इसमें मतलब हम इसी तरह से जो जुमले है ना अरबी के जुमले को भी हम सीख रहे हैं। कितने जुमले हम लोग रोज बोलते थे ग्रामर के साथ, हंड्रेड में हमने सीखे हैं। इसी तरह अगले कोर्सेज को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हम उनमें से सीखेंगे। ठीक है, राइट, इंशाल्लाह जैसे जैसे हम चीज़ों को समझेंगे हमारे लिए इल्म के दरवाजे खुलते जाएंगे अल्लाह की तरफ, अल्लाह ताला हमसे राजी होंगे। और हम सब कामयाब होना चाहते हैं, हम चाहते हैं हम हर चीज़ में कामयाब हों, हम कामयाब होंगे। राइट, तो मत भूलें कि अल्लाह ने हमें सिलेक्ट किया, इंतखाब किया। ऐसा होता है ना, जैसे किसी भी जगह हम जाएं, काफ़ी ज़्यादा लोग हों, उनमें से कुछ लोग सिलेक्ट हों, वो स्पेशल होते हैं। तो अपने आप को स्पेशल समझें कि अल्लाह ने इतने लोगों में से सिलेक्ट किया कि मेरा ये बंदा आई मेरी किताब समझे। इतनी मोहब्बत है अल्लाह की, इस बात को इग्नोर मत करें। लिहाजा हमें इंशाल्लाह कुरान को सीखना है, सीखते रहना है। अल्लाह से दुआ करें, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। पॉकेट बुक का इस्तेमाल कभी नहीं छोड़ना इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ए पार्ट हमारा मुकम्मल हो गया, अब हम लेते हैं ब्रेक और उसके बाद हम जाते हैं ग्रामर की तरफ। तो मैं चाहूंगी कि आप सब पानी पी लें, फ्रेश हो जाएं और लेसन की तरफ वापस आएं, क्योंकि अगला हिस्सा भी बहुत ही जरूरी है। हम पूरी तवज्जो से इसमें मौजूद रहें और आप में से कोई एक अभी सवाल कर सकता है, अगर किसी का कोई कोर्स से रेलिवेंट क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं। जी, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन तो हम देख लेते हैं। हानिया ने हैंड रेज किया हुआ है, हानिया आप अपना माइक ऑन कर लो बेटे। यस मैम। जी हानिया, यू कैन टर्न ऑन योर माइक, माइक ऑन है। यस हानिया, मुझे बताइए आप क्या कुछ पूछना चाह रही हैं। यस मैम। मैम हमारा जो रिवीजन क्लासेस होंगी वो किस दिन होंगी? बेटे वो भी इसी तरह ऑनलाइन होंगी इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीक आई बिलीव कि ट्यूसडे को ही होगी, लेकिन फिर भी कंफर्मेशन का मैसेज इंशाल्लाह आपको आज ही सेंड कर दिया जाएगा। रिवीजन की कंफर्मेशन का मैसेज आपको आज ही मिल जाएगा और टाइम भी पता चल जाएगा। इसी जगह इसी लिंक पर आपने ज्वाइन करना होगा, उससे आपको बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि आपने अगर कोई भी आपका कोई हिस्सा ऐसा है जिसमें थोड़ी मे बी कोई मेन हिस्सा है जिसमें कोई कंफ्यूजन रह गई है, कुछ समझ नहीं आया, अगर आप ग्रामर में अलग कमरे में बैठ के पूरी क्लास को ज्वाइन करेंगे बहुत सारी चीजें आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएंगी। ठीक है, आपने उसको जरूर ज्वाइन करना है, इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा। बाकी लोगों के सवाल एंड में लिए जाएंगे, अभी हम चलते हैं अपने लेसन की तरफ।
जो कि है लेसन का बी पार्ट. ओके एंड हम देखते हैं कि बी पार्ट में एक्चुअली क्या है. ग्रामर, ग्रामर का बी पार्ट. आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने इससे पहले 19 चैप्टर्स में इसी तरह ए पार्ट को पढ़ा, फिर बी पार्ट को पढ़ा. तो कितना अच्छा लग रहा है हमें, और थोड़ा जज्बाती भी है कि आज हम इस कोर्स के साथ आखिरी चैप्टर का आखिरी हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं. उसके बाद ये वाली क्लासेस इस तरह से नहीं होंगी. उसके बाद अगर कोई दोबारा से क्लास को ज्वाइन करेगा, कोई ये समझे कि मुझे कुरान को मजीद अंडरस्टैंड करना है, इस कोर्स को और अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है, कुछ कमी है, वो दोबारा ज्वाइन कर सकता है. लेकिन ये क्लासेस, ये कोर्स दोबारा नहीं होगा. तो आप इस टाइम को बहुत गनीमत समझें. और देखते हैं आज के लेसन में कुछ शॉर्ट टेबल्स बताए जा रहे हैं वर्ब्स के. वर्ब्स क्या होते हैं? फेल. हमने पढ़े थे ना अल्फाज की तीन किस्में, इसम फेल और हर्फ. तो जो फेल है उनको इंग्लिश में वर्ब्स कहते हैं. तो सबसे पहला काम हमारा ग्रामर में क्या होता है, जरा चैट बॉक्स में बताएं. ग्रामर में हमारा पहला काम क्या होता है? स्माइल करना. माशाल्लाह, इर्सा बता रही है हमें. सबसे पहले मुस्कुराना है. मुस्कुराएं यानी खुशी से, खुशी का इजहार करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हम खुश हैं, या अल्लाह आपने हमें ये तौफीक दी है कि हम यहाँ तक पहुंचे हैं और आज हम कुछ और खास, कुछ ना कुछ सीखने वाले हैं. ओके जी, तो क्या है फेल के शॉर्ट टेबल्स? मुख्तसर शॉर्ट टेबल्स. अब तक जो टेबल्स हमने सीखे हैं ना, उनको जरा शॉर्ट करके पढ़ेंगे हम. ठीक है, तो ये बहुत ही दिलचस्प होगा. आज हम इस कोर्स को एंड करते करते एक बार फिर पीपीआई को दोहरा लेते हैं. तो मुझे जरा बताइए दानिया सलीम, पीपीआई स्टैंड फॉर वॉट? पीपीआई किसे कहते हैं दानिया? टोटल फिजिकल इंटरेक्शन. माशाल्लाह, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन. टोटल फिजिकल इंटरेक्शन के साथ अगर हम इस कोर्स को कर रहे हैं तो ये हमारे लिए इंतहाई आसान है, और भी आसान है. वैसे तो अल्लाह ने आसान ही बनाया है कुरान को समझने के लिए. ओके अब्दुल हादी, आप मुझे ये 7 पॉइंट्स दोहराकर बताएं इशारों के साथ जो हमारे लिए जरूरी है पीपीआई में. जी सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए. अरे माशाल्लाह, इतनी तेज पढ़ लिया, इतनी तेज याद हो गया कि मैं इशारे भी नहीं कर पाई. चले जी, माशाल्लाह, शेर अली खान से भी हम सुनते हैं. जी शेर अली खान. सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए. माशाल्लाह माशाल्लाह, हम और भी लोगों से सुनते हैं अभी. ठीक है, ऐसा करते हैं अब हम सुनते हैं यही प्रैक्टिस अलीजे काशिफ से. जी अलीजे, माइक ऑन करें बेटे. सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए. मिलकर कीजिए. सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए. माशाल्लाह. चले एक और स्टूडेंट से पूछ लेते हैं. अब्दुल सुभान, अब्दुल सुभान बेटे, इशारों के साथ बताइए. सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए. मिलकर कीजिए. माशाल्लाह माशाल्लाह, दैट्स राइट. ओके, अल्फाज की किस्में हमने इतने चैप्टर्स में इनको दोहराया है. आज हम फिर देख लेते हैं कुरान में आने वाले जो भी लफ्ज आप देखें, या तो वो इस्म होंगे, या फिर वो फेल होंगे, या फिर वो हर्फ होंगे. आपने करना क्या है, आपने उनको पहचानना होगा, और वो पहचान आहिस्ता आहिस्ता हमें समझ आने भी लग रही है. आगे आगे किताब को समझते हुए मजीद समझ में आएगी. कुछ अल्फाज वो होते हैं जिनको इस्म कहते हैं, यानी नाम, किसी चीज का नाम या उसकी सिफ, वो अच्छा है या वो बुरा है. ठीक है, ये सारे लफ्ज जो होते हैं ये इस्म होते हैं. इसी तरह फेल क्या होते हैं, ऐसे अल्फाज जिसमें कोई काम होना पता चल रहा है. ठीक है, इसी तरह हर्फ क्या होते हैं, ऐसे अल्फाज जो ना तो इस्म होते हैं ना ही फेल होते हैं, वो सारे हर्फ होते हैं. और इनका काम क्या होता है, ये कोई भी जुमला बनाने के लिए इस्म और फेल को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ताकि पूरा जुमला बने और बाद में समझ आए. ठीक है, तो क्या हो गए, इस्म, फेल, हर्फ. ओके जी, तो आज हमने अभी शुरू में भी जो बात की थी कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज हमने जो टेबल्स पिछले कई चैप्टर्स में जो हमने फेल सीखे हैं, अफाल सीखे हैं, आज चार अबाब सीखे थे हमने. उन चार अबाब के नाम भी कोई बता दे आपने से. कुरैन शाह आपको याद है तो आप माइक ऑन कर लीजिए. उनके शॉर्ट नेम्स क्या थे? जी कुरैन जी, याद है आपको बेटे? अफाल के जो चार अबाब हमने पढ़े थे उनके नाम आपको याद है? यस मैम. बताइए. सवाल नून सी और बे. बता रहे हो लेकिन शायद मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, दोबारा बताइए.
ज़ाद सीन नून नून चाटी ओके ठीक है इट्स अ गुड एफर्ट हम किसी और से भी पूछ लेते हैं रबीजा रबीजा आप बताइए बेटे कौन से चार अब्बाब हमने पढ़े थे नून पहला था सा दूसरा था नून तीसरा ज़ाद और चौथा सीन आपने इनको याद रख लिया ठीक है सा नून ज़ाद सीन अब किसी ने भूलना नहीं है ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह तो हमने बहुत सारे चैप्टर्स में अफाल के टेबल्स पढ़े उसमें मादी पढ़ा मुदारे पढ़ा फिर अमर और नहीं पढ़ा फिर आखिर में फाइल मफूल और फेल पढ़ा तो चार हिस्सों में हमने टेबल पढ़े हैं आज हमें और आसान किया जा रहा है टेबल को शॉर्ट किया जा रहा है राइट ये देखिए ये पूरा टेबल हमने ये पढ़ा था और इसके बाद हमने एक और हिस्सा पढ़ा था जिसको फाइल मफूल और फेल भी कहते हैं ये तीन हिस्से दिखाए जा रहे हैं ना तो देखिए और कल के टेबल में हमने एक एडिशनल वर्ड हमारे पास था वो क्या था मोनस यानी हमने ये पढ़ा कि अगर फीमेल की बात भी की जा रही है टेबल में तो एक वर्ड हम ऐड कर लेंगे यानी उस औरत ने किया उसके लिए हम लेफ्ट हैंड का इशारा यूज करेंगे राइट जैसे कि फ़अलत और मुदारे होगा तो तफ़अलु राइट उस औरत ने किया वो औरत करती है राइट तो ये क्योंकि यहाँ मैच करे ना देखिए उसने किया उन सब ने किया उस औरत ने किया इसलिए इसको पिंक कलर में यहाँ पर लिख दिया गया है आप अपनी आसानी के हिसाब से इसको यहाँ भी पढ़ सकते हैं और अगर आपको लगे कि पहले वाला टेबल हमें कहीं भूलना जाए अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप मोनिस का लफ्ज आखिर में भी पढ़ सकते हैं आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं फ़अला फ़अली फ़अलता फ़अलतु फ़अलतुम फ़अलना और फिर पढ़े फ़अलत इसी तरह यफ़अलु यफ़अलूना तफ़अलु अफ़अलु तफ़अलूना नफ़अलु और फिर फीमेल के लिए तफ़अलु आपकी चॉइस है आप जहाँ दरमियान में इसको पढ़ना चाहें या आपके लिए ठीक है उसी तरह अमर और नहीं को भी हमने पढ़ा आप देखिए यहाँ ये तफालू है आप करते हैं इसके साथ ला लगा तो वो नहीं के मानों में अम्र में चला गया अम्र नहीं एनी हाउ आप ये देखिए कि ये टेबल्स हमारे लिए आसान हो गए हैं लेकिन और भी आसान होंगे अगर आप इनको शॉर्ट करें पहले लफ्ज से क्योंकि शुरू होता है तो पहले लफ्ज ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं पहला लफ्ज याद आएगा तो हमें आगे याद आएगा अब हम देखते हैं कि शॉर्ट टेबल कैसे बनाना है शॉर्ट टेबल बनाने के लिए हमें सिर्फ सिक्स वर्ड्स चाहिए छः ठीक है सिर्फ छः छः अल्फाज में से पहले तीन क्या है फेल है अफ़आल यानी पहला लफ्ज आ रहा है फेल मादी का पहला लफ्ज ये देखें ये है फ़ाला और ये भी है फ़ाला तो फेल मादी का पहला लफ्ज है फ़ाला उसने किया फेल मुदारे का पहला लफ्ज क्या है ये देखें यफ़अलु हमने इसको यहाँ रखा यफ़अलु वो करता है फेल मादी का पहला लफ्ज फेल मुदारे का पहला लफ्ज उसने किया वो करता है फ़ाला यफ़अलु उसके बाद तीसरा लफ्ज कहाँ से आएगा फेल अम्र का पहला लफ्ज इफ़अल इशारा है ये इफ़अल कर ठीक है कोई भी काम कर अब ये तीन अल्फाज हमने यहाँ से उठा दिए बाकी अल्फाज को हम शॉर्ट टेबल में नहीं लिखेंगे क्योंकि ये शॉर्ट है राइट तो इन तीन अल्फाज की निस्बत से हमारे लिए इनके टेबल्स के बाकी अल्फाज याद करना आसान है इसलिए हमने मादी मुदारे और अम्र का पहला लफ्ज उठा दिया तो तीन अल्फाज कौन से हुए फ़अला उसने किया यफ़अलु वो करता है इफ़अल कर फ़अला यफ़अलु इफ़अल फ़अला यफ़अलु इफ़अल कौन आपने से ये तीन पढ़ेगा अभी अफरा काशिफ माइक ऑन करके पढ़े तर्जुमे के साथ और इशारे के साथ अफरा आर यू लिसनिंग बेटे अफरा काशिफ चले जी अफरा इज देयर जी बेटे अल्लाह इसने किया यफ़अल वो करता है इफ़अल कर माशाल्लाह ओके अब आपको नजर आ रहे हैं ये तीन बॉक्सेस अभी खाली हैं यहाँ पर भी कुछ आएगा क्या आएगा हम देखते हैं केवल के आखिरी तीन अल्फाज जो हमने सीखे थे फ़ाइल करने वाला मफ़ऊल जिस पर असर पड़ा फ़ाइल काम करना राइट ये तीनों हम लिख देंगे आखिरी तीनों बॉक्सेज में बट उससे पहले जरूरी बात बतानी है आपको वो ये कि ये जो हम फेल का टेबल अफाल के टेबल्स हमने सीखे हैं इन टेबल्स में ये आखिरी तीन लफ्ज फेल नहीं है यानी इसम फेल हर्फ में से बाकी सारे अल्फाज ये देखें ये सारे अल्फाज जो नजर आ रहे हैं ये फेल है ना ये भी फेल है अफाल है ठीक है ये भी फेल है ये भी फेल है लेकिन ये आखिरी तीन लफ्ज जो आपको नजर आ रहे हैं फाइल मफूल और फेल ये एक्चुअली वर्ब्स कंसिडर नहीं होते बल्कि ये इसम है हमने पढ़ा था लफ्ज की पहली किस्म है इसम जो किसी नाम या सिफ्त को कहते हैं क्योंकि काम करने वाला तो कोई होता है ना वो तो नाम हुआ किसी का
वो शख्स या वो चीज जिसपे असर पड़ रहा है वही कोई है। और फेल क्योंकि काम का नाम है, यानी खाना, दौड़ना, करना, सुनना, ठीक है, याद करना, मारना, ये तो काम का नाम है। तो नाम जो होता है वो भी इस्म होता है, हमने अभी पढ़ा है कि इस्म किसी नाम या सिफत को कहते हैं। तो ये तीनों अल्फाज इस्म है यानी नाम है, और इस्म की जमा होता है अस्मा। तो इन तीनों को जब हम इकट्ठा पढ़ेंगे हम कहेंगे ये तीनों है अस्मा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इन तीनों को हम इन तीन बॉक्सेस में लिख देंगे शॉर्ट टेबल, राइट। पहले हमने मादी का पहला लफ्ज, मुदारी का पहला लफ्ज, अम्र का पहला लफ्ज लिया, अब हमने आखिर में, यानी ये तीनों फेल है और आखिर वाले तीन हमने अस्मा लिखे, फेल नहीं बल्कि अस्मा। फाइल करने वाला, मफूल जिस पर असर पड़ा, फेल करना, ओके जी। ये देखिए यहाँ एरो से बताया भी जा रहा है, और इनकी पहचान हमने सीखी भी थी। अक्सर अल्फाज के शुरू में अलिफ लाम आते हैं, आखिर में दो पेश दो जबर दो जेर आते हैं, या फिर ऊना ईना, ठीक है, मतलब बाउ नून या नून या अलिफ ता अगर वो जमा हो, तो इससे पता चलता है कि ये इस्म है। बहरहाल हम अभी इस डिटेल में नहीं जा रहे, अभी हमारा मकसद शॉर्ट टेबल याद करना है। तो छह अल्फाज का शॉर्ट टेबल आसान है या मुश्किल है, जरा चैट बॉक्स में बताइए। शॉर्ट में याद करना ज्यादा आसान है ना, ईजी है या डिफिकल्ट है ये आपको शॉर्ट टेबल? ईजी है, दैट्स राइट। और ये शॉर्ट टेबल याद रखने से पूरा टेबल याद आने में आसानी होती है। अब हम ऐसा कहते हैं कि मैं आपको एक बार सुनाती हूँ और फिर ये शॉर्ट टेबल मैं आपसे सुनती हूँ, तो आप सब प्रैक्टिस करें जितने लोग क्लास में हैं। फाला उसने किया, यफालू वो करता है, इफाल कर, फाइल करने वाला, मफूल जिस पर असर पड़ा, फेल करना। फाला उसने किया, यफालू वो करता है, इफाल कर, फाइल करने वाला, मफूल जिस पर असर पड़ा, फेल करना, या काम का नाम, ठीक है, काम का नाम है ना, करना, राइट, काम करना, ओके। अरबी में क्या कहेंगे हम, फाला यफालू इफाल, फाइल मफ़ऊल फ़ेल, फ़अला यफ़अलू इफ़अल, फ़ाइल मफ़ऊल फ़ेल। चलें जी, अब बारी आ गई है अरीबा साकिब की। अरीबा साकिब जल्दी से माइक ऑन करके छह अल्फाज का शॉर्ट टेबल सुना दो मुझे। अरीबा साकिब। यस मैम। फ़ाइल या नहीं बेटे, नहीं बेटे, नहीं बेटे, पहला सबसे से फ़अला। फ़अला उसने किया, यफ़अलू वो करता है, इफ़अल कर, फ़ाइल करने वाला, मफ़ऊल जिस पर असर पड़ा, फ़ेल करना, काम का नाम, करना, that's right। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना अच्छा पढ़ रही हैं आप, अल्लाह ताला आपसे राजी हो, आपने कोर्स कंप्लीट किया है। आप सब ने जो यहाँ मौजूद हैं, हम अभी सुन लेते हैं मूसा से। मूसा साकिब बेटे आप टेबल सुनाएंगे हमें, माइक ऑन कर लें। फाला इसने किया, यफ़अलू वो करता है, इफ़अल कर, फाइल करने वाला, मफ़ऊल जिस पर असर पड़ा, फेल करना, काम का करना, काम करना, that's right, माशाल्लाह। यही टेबल हम सिर्फ अरबी में सुनते हैं अफरा से। अफरा आपने तर्जुमा नहीं पढ़ना बेटे, ठीक है, सिर्फ मुझे अरबी सुना दिया। फाला यफ़अलू इफ़अल फ़ाइल मफ़ऊल फेल, ठीक है। इसी तरह शेर अली खान, शेर अली खान सिर्फ अरबी सुना दें जल्दी से। शेर अली खान आप सुन रहे हो बेटे? चले मिस में भी शेर अली खान, अभी माइक ऑन, चले जी आ गए हैं, शेर अली खान सुना रहे हैं जी बेटे। मैं माइक खोल दे, आई थिंक माइक उनका ऑफ हो गया, इट्स फाइन। फाला यफ़अलु इफ़अल फ़ाइल मफ़ऊल फ़ेल, इतनी प्रैक्टिस हमने कर ली है, तीन अफ़ाल और तीन अस्मा की। अफ़ाल फ़ेल की जमा है, अस्मा इस्म की जमा है, ओके जी। और ये मैंने आपको अभी पहले ही बता दिया कि इसकी निशानी होती है, अगर आपने कुरान में कहीं पहचानना हो इस्म कौन से हैं, तो ये भी एक निशानी है। ज़्यादातर इस्म के शुरू में अलिफ लाम आ जाएगा, या फिर आखिर में दो पेश दो ज़बर या दो ज़ेर होगा, ठीक है, ओके। और अगर हमने फ़ाइल काम करने वाला है ना, मर्द मेल पर्सन, उसके लिए जमा के लिए या तो वाउ नून लगेगा या या नून। तो फ़ाइल काम करने वाला, अगर काम करने वाले होंगे तो क्या होगा, फाइलून या फाइलीन। फाइलून कब लगेगा, कोई बताएगा मुझे, जिन्होंने हैंड रेज किया मैं उनसे पूछती हूँ। अलीजे काशिफ, फाइलून वाउ नून कब आएगा और या नून कब आएगा, बता सकते हो अलीजे, कैन यू टेल के वाउ नून कब आता है और या नून कब आता है? जी and when vowel noon comes, so there is two pish and when it's do, two zeer, so then it's ya noon.
दोबारा से बताएं, एक बार फिर बताओ बेटे जी। अब बताइए when it's do fish then it's wow noon and when it's do zed then it's ya noon. Mashallah, that's right. अगर आखिर में दो पेश या हो तो वाउनून आएगा, दो जबर या दो जेर हो तो यानून आएगा। वेरी गुड, इनको अच्छे से याद है। ठीक है जी, आगे देखते हैं क्या है। इसी तरह मफ़ऊल, एक वो शख्स या वो चीज जिसपे असर पड़ रहा है काम होने से, वो काम करने वाला नहीं है, उसकी अगर ज्यादा जमा बनानी है, वो ज्यादा लोग होंगे तो हम, अगर तो दो पेश होगा इसके आखिर में तो हम फिर वाउनून लगाएंगे, अगर दो जबर या दो जेर होगा तो यानून। अभी कुछ भी नहीं है ना, इसलिए हमने दोनों लिख दिए। ठीक है, ओके जी, दैट्स राइट। और अगर फीमेल हो, अभी हमने फीमेल नहीं पढ़ी ना, फीमेल बनाने के लिए क्या करते हैं, गोल ता का इजाफा करते हैं। मैंने आपको मोनस बनाना सिखाया था, मुजक्किर के लफ्ज के आगे गोल ता लगा दें, फाइल से बन गया फाइला, फाइल काम करने वाला और फाइला बाएं हाथ से, ठीक है फाइला। ये हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है लेकिन मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ। और अगर फीमेल यानी मोनस की जमा बनानी हो तो गोल ता को हम मिटा देंगे, यहाँ से गायब कर देंगे, उसकी जगह अलिफ ता लगा देंगे, तो फाइला एक काम करने वाली खातून, फाइलात ज्यादा काम करने वाली खातून, खवातीन। ठीक है, इसी तरह मफ़ऊल के आगे बोलता लगाएं तो एक औरत बन जाएगी जो जिस पर काम करने से असर पड़ रहा है। ठीक है, और अगर ज्यादा हो तो हम अलिफ्ता लगा देंगे बोलता को हटाकर, मफ़ऊलात ज्यादा वो औरतें जिनके काम से असर पड़ रहा है। तो इतना आसान है ना, वाउनून यानून का इजाफा, बोलता अलिफ्ता का इजाफा, ये हमने सीखा था। ये देखिए हमारा टेबल, हमने इसको अच्छी तरह से एक एक हिस्से को समझ लिया है। इस टेबल को हम अपने बड़े वाले मेन टेबल में कहाँ ढूंढेंगे, ये देखें सामने टेबल है, इसको समझने के लिए इसको बॉक्सेस में बंद कर दिया गया, ये देखें रेड कलर के बॉक्सेस में, आप देख रहे हैं, फाला या फालू इफाल, फाइल मफ़ऊल फ़ेल, राइट। तो हमारे लिए जो है इनको यहाँ से पहचान करना आसान है कि ये कहाँ कहाँ से लफ्ज़ उठाई गई है। ओके, इसी तरह अगर हमने जो टेबल बनाया था फतहा, फतहू, फतहता, फतहतु, फतहतुम, फतहना, उसका शॉर्ट करना है तो हम इसी तरह करेंगे, फतह उसने खोला, यफ्ता हु वो खोलता है, इफ्तह खोल, मादी मदारे अम्र, ठीक है, फतेह खोलने वाला, मफ्तूह जिसको खोला गया, फतह खोलना, राइट। आगे नासरा का टेबल में से कौन सुना रहा है, मोहम्मद एहसन अली, आप सुनाओगे बेटे नासरा का टेबल, शॉर्ट टेबल तर्जुमे के साथ और इशारे के साथ जी। मोहम्मद एहसन अली तर्जुमे के साथ सुनाइए, उर्दू तर्जुमे के साथ। नसरा उसने मदद की, यासर वो मदद करता है करेगा, नासर मदद कर, नासर मदद करने वाला, मंसूर जिसकी मदद की गई, नसर मदद करना। माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट बेटे, अल्लाह ताला आपसे राजी हो, आप सब से, आप इतनी अच्छा पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं। दोबारा देखिए, पहला मैंने आपको शुरू में बताया था, पहला बाब उसका नाम है फा, वो ये उस बाब से फतहा का टेबल है। नून दूसरा था, उससे नसरा का टेबल यहाँ लिखा हुआ है। तीसरा मैंने बताया जवाद, उससे गौरवा का टेबल है। गौरवा का टेबल हम सुनते हैं हुरैन शाह से। हुरैन शाह माइक ऑन करो जल्दी से बैठे। जरबा उसने मारा, यजरीबू वो मारता है या मारेगा, यजरीब मार, जरीब मारने वाला, मजरूब जिसको मारा गया, जरब मारना। माशाल्लाह बेहतरीन, अल्लाह आप सबसे बहुत ज्यादा राजी हो, आपको ज्यादा ज्यादा रिवॉर्ड अता फरमाए, आप इतना अच्छा पढ़ रही हैं माशाल्लाह, यू पीपल आर वेरी स्पेशल। मूसा साकिब कहाँ चले गए, अभी तो हमें नजर आते, चले दानिया सलीम आ गई। दानिया सलीम बेटे माइक ऑन करें, फोर्थ सेट है ये, सीन यानी समिया, सुनाइए। समिया उसने सुना, यस्माउ वो सुनता है या सुनेगा, इस्मा सुन, सामे सुनने वाला, मस्मू जिसने जिसको सुना गया, समे सुनना, सम सुनना, राइट माशाल्लाह। तो ये चार सेट्स के नाम क्या है, फा नून द्वाद सीन, आपने भूलना नहीं है, इनका सीक्वेंस भी यही है, नून को पहले नहीं लाना, द्वाद को पहले नहीं लाना, फा पहले है, फिर नून है, फिर द्वाद, फिर सीन, और इन्हीं के पैटर्न पे फिर बहुत सारे टेबल बनते हैं। ठीक है जी, अब हम फेल के साथ हमने बहुत सारे नाम लगा के सीखा, आज हम ना हु हुम भी लगाएंगे। हु हुम हमने सीखा था ना, का कुम, हु उसका, हुम उन सबका, का आपका, कुम आप सबका, हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं, ये तो हमने पहले से सीखे हुए हैं। जैसे ये जो लफ्ज़ है, हल का मतलब है क्या, नसर का आपने मदद की, जैदन जैद की, क्या आपने मदद की जैद की, तो आप क्या इसका जवाब देंगे मुझे, रबीजा,
रबीजा माइक ऑन कर लो बच्चे जी, जवाब दीजिए। नाम नसरतु जैगम। जी हाँ हम सब, जी हाँ मैंने जैद की मदद की, मैंने मदद की जैद की, या मैंने जैद की मदद की। माशाल्लाह, अगर मैं आपसे कहूँ हल नसर तुम जईदा, क्या आप सबने मदद की जैद की? जवाब दें। नाम नसरना जईदा। जी हाँ हम सबने जैद की मदद की, हम सबने मदद की जैद की। अब जरा एक इंटरेस्टिंग बात है और काम की बात है, स्लाइड को सारे बच्चे सब लोग गौर से देखें। ये जो आखिर में नाम लिखा था ना जईद, तो मैं चेंज करने वाली हूँ। जईद की जगह अगर हम किसी का नाम भी ना लगाए और मैं आपसे कहूँ आपने उसकी मदद की, उसकी, तो उसके लिए हम यहाँ जैद को हटा के लगा देते हैं हु। हमने पढ़ा था ना हु उसकी, हु मन सब की, ठीक है। अगर हम किसी एक की बात करेंगे हम हु लगाएंगे, जईद को हटा के हम हु लगा दें तो क्या बनेगा, अभी हम देखते हैं, ठीक है। ये देखें, ये कोई नई मुश्किल चीज नहीं है, अभी मैंने आपको बताया जईद को हटा के हमने सिर्फ हु लगाया, बाकी वही है, तो क्या बना, हल नसर तहु, हल नसर तहु, क्या आपने मदद की उसकी। अब जवाब क्या होगा हम सुनते हैं, नियाज बहादुर आप बता दीजिए, क्या आपने मदद की उसकी? नाम नसर तहु, जी हाँ मैंने उसकी मदद की, मैंने मदद की उसकी, माशाल्लाह। हल नसर तुमू हु, क्या आप सबने मदद की उसकी, क्योंकि ये देखें यहाँ नसर तुम का मतलब है आप सबने मदद की, ठीक है। उसके साथ हु लगाया, नसर तुम हु की बजाय नसर तुम हु पढ़ा जाता है, क्योंकि तुम हु पढ़ना जरा मुश्किल है, तो अरबी बोलने वालों ने इसको नसर तुम हु बना दिया, ठीक है। हल नसर तुम हु, क्या आप सबने मदद की उसकी, जवाब बताइए। नाम नसर ना हु, जी हाँ बिल्कुल, नाम नसर ना हु, जी हाँ हम सब ने मदद की उसकी। तो इस तरह से ये भी एक इंटरेस्टिंग तरीकाकार है, नाम की जगह आप ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मुदारे में चले जाएं हम, हल तन सुरु जईदन, क्या आप मदद, सॉरी हल तन सुरु, सॉरी मैं इशारा यहाँ करी थी मिस्टेकनली, हल तन सुरु जईदन, क्या आप मदद करते हैं जैद की। हम जवाब सुन लेते हैं सना अख्तर से, सना अख्तर माइक ऑन कर लो बेटे। नाम अंसुरु जईदन, तर्जुमा क्या है? जी हाँ मदद करते हैं जैद की, जी हाँ मैं मदद करता हूँ जैद की, या मैं मदद करूंगा, ठीक है। हम नहीं है यहाँ पर, राइट, शुरू में ये देखे अन शुरू है। दूसरा सवाल भी आपसे ही करूंगी मैं, हल तन शुरू ना जैदन, नाम तन शुरू जैदन, नाम शुरू जैदन, नाम तन शुरू जैदन, तर्जमा कीजिए। जी हाँ हम मदद करते हैं जैद की, अनसुरु मैं मदद करता हूँ, ननसुरु हम सब मदद करते हैं, डोंट फॉरगेट दिस। इसी तरह यहाँ पर अगर हु लगाया तो हुआ हल तनसुरु हु, क्या आप मदद करते हैं उसकी। नाम अनसुरु, जी हाँ मैं मदद करता हूँ उसकी, ठीक है। हल तनसुरु ना हो, क्या आप सब मदद करते हैं उसकी। नाम ननसुरु हु, जी हाँ मैं, हम सब मदद करते हैं उसकी, दैट्स राइट। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ उनसुर जईदा, जैद की मदद कर, तो जवाब क्या होगा? दानियाल खान बता दें मुझे जल्दी। ठीक, दानियाल खान आर यू देयर? दानियाल खान बेटा आपने हैंड रेज किया हुआ है, आप माइक ऑन नहीं कर रहे हो। उन सुर जईदन, मदद कर जैद की। चले अनसुर जईदन, मैं मदद करता हूँ, मैंने जैद की मदद। दानियाल आपके तरफ कुछ शोर है बेटे, ओके। उन सुरु जईदन, आप सब मदद करो जैद की, तो जवाब होगा नन सुरु जईदन, हम सब जैद की मदद करते हैं, ये करेंगे। शॉर्टली भी आपको बताती जाऊं कि अगर सवाल अम्र या नहीं में किया जाए, आपसे कुछ करने का कहा जा रहा है ये करो या ये ना करो, तो आप जवाब मुजारे में देते हैं कि मैं ये करता हूँ, मैं ये करूंगा, ठीक है। इसको आपने इस बात को याद रखना। इसी तरह अगर मैं कहूँ उनसुर हु, उसकी मदद कर, आप कहेंगे अनसुरु हु, मैं उसकी मदद करूंगा या मैं मदद करता हूँ। उन शुरू हूँ, आप सब उसकी मदद करो। नन शुरू हूँ, मैं उसकी मदद करता, हम सब उसकी मदद करते हैं या हम सब उसकी मदद करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लास्ट चैप्टर का ग्रामर पार्ट भी मुकम्मल हो गया। जाते जाते नुक्ता तालीम की बात करेंगे आज एक बार फिर, उसमें क्या है बहुत ही ध्यान से सुने। जन्नत पे कौन कौन है जो आला मुकाम पे पहुंचना चाहता है, जरा मुझे हैंड रेज तो सबने किए हैं, चैट बॉक्स में बताएं, ठीक
ठीक है, आई एम मी कुछ भी या यस लिखें। जन्नत में सबसे बेस्ट जगह कौन चाहता है, कौन चाहता है हमें ऐसी दुनिया मिल जाए जहाँ हमेशा हम रहे, वहां से कहीं जाना भी ना हो, और वो सबसे बेस्ट हो, जो सबसे बेस्ट हो, हमारी मर्जी की हर चीज हो वहां, जो जो हम चाहते हैं वो हमें मिले, सब चाहते हैं, वी ऑल मी सब बता रहे हैं, माशाल्लाह ढेर सारे मैसेजेस आ रहे हैं। तो जरा ध्यान से सुने, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत के रोज साहिबे कुरान से कहा जाएगा, साहिबे कुरान कौन होता है, साहिबे कुरान मतलब जो कुरान का दोस्त हो, पार्टनर, उसके साथ रखता हो हमेशा। अगर हम कुरान को जैसे आज हम सीख रहे हैं, अब हम इंशाल्लाह पूरी लाइफ उसको सीखते भी रहेंगे, समझते रहेंगे, समझ कर पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, समझ कर पढ़ता हो, उसको अपने साथ रखता हो, उसका आदि हो, अलग ना होता हो उससे, ठीक है। तो कयामत के रोज साहिब कुरान से कहा जाएगा पढ़ो और चढ़ो, यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टेयर्स पर चढ़ते जाए ना तो हम बुलंदी पर पहुंच जाते हैं, इसी तरह हम आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता सक्सेस मिलती है, पहले से बेहतर हो जाते हैं और बेहतर हो जाते हैं और अच्छा मकाम मिल जाता है। इसी तरह जन्नत में भी कहा जाएगा कि अच्छी से अच्छी जगह पर चढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ और चढ़ते जाओ, बुलंद से बुलंद, बेहतरीन से बेहतरीन, जैसे कि तुम पढ़ा करते थे दुनिया में तरतील के साथ। तरतील होता है ठहर के पढ़ना, इसका मतलब है तसल्ली से, जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना, समझ कर तसल्ली से गौर करके, ठीक है। तुम्हारा मर्तबा उस आखिरी आयत पर होगा जो तुम पढ़ोगे, सुभानअल्लाह। तो हमें बहुत ज्यादा कुरान सीखना, बहुत ज्यादा याद करना, जितना हम कर सकें, हमारी कोशिश अगर होगी, अल्लाह से मोहब्बत होगी, तो अल्लाह ताला हमें जरूर कामयाबी अता फरमाएंगे, ठीक है। अब जरा देखें, दुनिया में हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास हर चीज हो, क्योंकि अभी तो हम इसी दुनिया में, अभी हम अल्लाह के पास आखिरत वाली दुनिया में नहीं गए, राइट। क्या करते हैं लोग, बहुत सारे यहाँ जो सुन रहे हैं, आप इस चीज के विटनेस होंगे, बहुत सारे लोग सारी जिंदगी सालों मेहनत करते रहते हैं, पैसे जमा करते हैं कि हम दुनिया में अपना घर बना लें, राइट। और अक्सर ऐसा होता है कि आमतौर पर अगर किसी इंसान के पास पहले से उनके पेरेंट्स के ज्यादा पैसे पड़े हुए नहीं है, तो वो, क्योंकि घर बनाना भी आजकल, खरीदना बनाना इतना आसान तो नहीं है, अक्सर ऐसा होता है सालों लग जाते हैं, और अक्सर लोग ओल्ड एज में पहुंच जाते हैं तब जाके घर बनता है, उन्होंने थोड़ी एज से मेहनत शुरू की, अब वो ओल्ड हो गए हैं, अब जाके घर बनाए, जिंदगी तो सारी गुजार ली, थोड़ी सी रह गई, राइट। और अक्सर ऐसे होते हैं कि अभी तक घर पूरा बना भी नहीं होता और पहले ही दुनिया से चले जाते हैं, ठीक है। तो क्या हम जानते हैं इस बात को कि हम दुनिया में कितना रहने वाले हैं, किसी को पता है, कोई किसी को पता है, जरा चैट बॉक्स में बताएं कि हम कितने दिन मजीद दुनिया में रहेंगे, कितने साल रहेंगे, कितने महीने रहेंगे, पता है या नहीं पता? नहीं पता, सब कह रहे हैं नो नो नो, राइट। तो देखिए, जिस जगह पर हमें पता ही नहीं है, हम उसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इस दुनिया में रहने के लिए बहुत मेहनत करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उतनी जितना वहां रहना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने, हमारा ट्रिप जा रहा है हमारे ही सिटी के किसी किसी अच्छी सी जगह पर, तो हम वहां के लिए ज्यादा से ज्यादा एक छोटा सा पर्स रखेंगे, वाटर बॉटल या थोड़ा सा लंच, थोड़े बहुत पैसे, कुछ जरूरत की चीजें, दो चार घंटों में हम वापस आ जाएंगे। अगर हमारा ट्रिप कहीं दूर जा रहा हो, जैसे दो तीन घंटे दूर जाना है, या किसी ऐसी जगह जहाँ दो दिन रहना है, तो हम ज्यादा तैयारी करेंगे ना, ज्यादा दो एक दो सूट भी रखेंगे, बहुत सारी काम की चीजें है ना, अपना टूथब्रश, बहुत सारी चीजें रख लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हमें, अकलमंद इंसान वो है कि उसको उसी के हिसाब से तैयारी करनी चाहिए, दुनिया को अच्छा गुजारने के लिए बहुत मेहनत करनी चाहिए, बहुत एफर्ट, लेकिन याद रखें कि हम हमेशा दुनिया में नहीं रहेंगे, ठीक है। लिहाजा ज्यादा मेहनत आखिरत के लिए करनी चाहिए, ठीक है। दुनिया में हम जितना भी जी लें, हमें आखिरत में अल्लाह के पास वापस जाना है। तो बात यही है कि हमें इस चीज को जहन में रख के मेहनत करनी है, ऐसे काम करने जिससे दुनिया भी अच्छी और खासतौर पर हमारी आखिरत अच्छी हो, ठीक है। और इस बात को जहन में रखते हुए इंशाल्लाह हमने कोशिश तो शुरू कर दी है, अल्लाह की किताब को समझ रहे हैं, इंशाल्लाह इस तरफ हमारा सफर शुरू हो गया है। तो साहिबुल कुरान की बात हो रही है, हाफिज़े कुरान जो भी पढ़ता है और उस पर अमल भी करता है, उसको कहते हैं। कुरान समझेंगे तो हिस्स भी आसान होगा, जाहिर है, बहुत सारी सूरतें, बहुत सारी चीज़ें हमें याद हैं, और भी कोशिश करनी चाहिए। अभी से नियत कर लें कि हम कुरान समझेंगे भी और हिस्स भी करेंगे, जितना हो गया, जितनी आयतें, जितनी सूरतें हम कर सकें वो हम ज़रूर करें, ज़रूरी नहीं कि पूरा हिस्सा, ठीक है। तो इंशाल्लाह दर्जात बढ़ते जाएंगे, अपनी कोशिश जारी रखें। माशाल्लाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस, माशाल्लाह आप कोर्स वन मुकम्मल कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 10 घंटों का काम कर लिया ना, तो अभी सिर्फ पूरे कुरान को समझने में सिर्फ 190 आवर्स रहते हैं, मतलब ज्यादा, आपने एक स्टेप मुकम्मल कर लिया। अब आप कोर्स टू करने के लिए तैयार हैं। कोर्स टू में क्या होगा? कोर्स वन में आपकी हर सफ़े के अल्फाज आपको आ गए, कोर्स टू में हम शुरू से कुरान को समझते हैं, जैसे आज हमने सूरतुल बकरा की आयात समझी, और इतना आसान था क्योंकि ज्यादा लोग समय आते थे। इसी तरह जब हम कुरान को समझेंगे,
कोर्स टू शुरू करेंगे तो हमें हर आयत के बहुत सारे लफ्ज पहले से आते होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये बड़ी खुशखबरी है कि अब हमारे लिए कोर्स टू को करना बहुत ही आसान होगा, ठीक है। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये जो इस कामयाबी की तरफ ये जो रास्ता जा रहे हैं ना, ये स्टेयर्स हैं, समझे कि यही एक रास्ता है जिससे हम कामयाब होंगे। और किसी रास्ते पे जाएंगे ना तो वो शैतान हमें गलत रास्ते पे ले जाएगा। सीधा रास्ता, इसको कहते हैं सिरातुल मुस्तकीम, सपोज कर ले, ठीक है। तो पहला स्टेप हमने अचीव कर लिया, अब हमने यहाँ से वापस नहीं जाना, क्योंकि हम नाकाम नहीं होना चाहते, हम कामयाब होना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमें हर चीज में जो हम चाहते हैं इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला हमसे खुश हो। तो हमने आहिस्ता आहिस्ता ये स्टेप पढ़ते पढ़ते हमने कुरान को मुकम्मल समझना है। इरादा कर ले, दुआ मांगे और अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करें। आज हमने चैप्टर्स मुकम्मल कर लिए। चैप्टर 19 के अख्तिताम पर हमने ये लफ्ज सीख लिए थे, 232 अल्फाज हमने चैप्टर 19 तक कल सीख लिए थे। आज तो हमने बहुत सारी मजीद चीजें अंडरस्टैंड की है, उन्हीं चीजों को रिवाइज किया है, और आज हमने साबित किया है कि हमें किस तरह कुरान के मुख्तलिफ अल्फाज को ढूंढना है जो हमें आते हैं। तो 41,111 लफ्ज हमने सीख लिए हैं, और 78,000 में से अगर हम इनको माइनस करें तो इससे कम लफ्ज रह गए हैं, ज्यादा लफ्ज हम सीख चुके हैं। इंशाल्लाह ये जो बैटरी हमारी रह गई है, हम इनको इसको फिल करने के लिए कोर्स टू का हिस्सा बनेंगे। आप जरूर मुझे अपना नाम बताएं जो जो कोर्स टू करना चाहते हैं, मैसेजेस में, बाद में, और जब भी, क्योंकि ये कोर्सेज तो पूरा साल होते हैं, ठीक है। आप कभी भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, मुख्तलिफ टाइम्स हैं, और इंतहाई आसान है आपके लिए अब कोर्स टू को समझना कि आपने कोर्स वन कर लिया है। होमवर्क्स को इसी तरह खुशी से करते रहे, पॉकेट बुक इस्तेमाल करते रहे, और टीचर जरूर बनना है। खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरान व अल्लमा, फरमाया गया है कि तुम सब में से बेस्ट हैं वो जो कुरान सीखे और सिखाए, सीख रहे हैं, नियत करें इंशाल्लाह सिखाएंगे भी, ताकि हम अल्लाह की नजर में भी बेस्ट हों। हम कम दर्जे पर क्यों रहें, जब अल्लाह ने हमें बता दिया है हम भी बेस्ट होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अगले कोर्स में मुलाकात होगी। अगले हफ्ते आपकी दोहराई की क्लास है, रिवीजन सबको चाहिए कि वो जरूर उसमें शरीक हों, और उसके बाद फाइनल कुछ भी आपको बता दिया जाएगा। आज इंशाल्लाह इन दोनों चीज़ों की डेट्स आपको मिल जाएंगी कि किस दिन है, आप अभी से तैयारी शुरू कर लें। जिसको कोई कन्फ्यूजन हो वो सवालात करते रहें, जहाँ जहाँ पढ़ने में मुश्किल पेश आए। तो आखिर में हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك। आज हम इस काबिल हो चुके हैं कि हम इसका तर्जमा समझ सकते हैं, तो गौर से देखें। सुभानक, पाक है तू اللهم اے اللہ, وبحمدك, और तेरे ही साथ है तमाम तारीफें और शुक्र तेरे ही लिए हैं। نشهد, हम सब गवाही देते हैं, ان لا اله الا انت, कि नहीं कोई इबादत के लायक सिवाय तेरे। نستغفرك, और हम सब तुझसे माफ़ी मांगते हैं, मगफिरत बख्शिश मांगते हैं अपने गुनाहों की। वनतूब इलैक, और तेरी ही तरफ रुजू करते हैं। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप सबको फिर से बहुत मुबारकबाद, अल्लाह हम सबसे राज़ी हो। जाते जाते पूरे दिल से अल्लाह के शुक्र के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर कह दीजिए जी। और अब हम चलते हैं क्लास को एंड करने के लिए। आप सबका बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आप सब से राजी हो। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।